हेलो फ्रेंड्स, आई एम रंजीत पटेल। आप देख रहे हैं टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी वेबसाइट को किस किस सर्च इंजन में आप इंडेक्स करा के अपनी वेबसाइट में अच्छा खासा ट्रैफिक लेके आ सकते हैं। जैसे गूगल का हो गया, गूगल सर्च कंसोल, वेब मास्टर एंड बिंग, याहू का हो गया बिंग वेब मास्टर एंड यंगडेक्स वेब मास्टर टूल्स हैं। सर्च इंजन टूल से आप अपनी वेबसाइट में अच्छा खासा ट्रैफिक ला सकते हैं और आप गूगल एडसन के थ्रू अच्छी खासी इनकम भी कर सकते हैं, और इसमें आपको टॉप में रैंक करने में भी हेल्प मिलेगी। मैं इसी बेस्ट 3 वेब मास्टर टूल्स मैं ऐड करके दिखाऊंगा आप अपनी वेबसाइट को कैसे ऐड करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। जय हिंद, जय भारत। रन टेक्निकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब की बटन पर प्रेस करें, घंटे की बटन पर प्रेस करें, ऑल पर क्लिक करें, शेयर एंड कमेंट करें। ओके फ्रेंड्स, आगे लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। ये जो वेबसाइट है, मैं इसको पहले गूगल सर्च कंसोल में ऐड करके दिखाता हूँ। आपको गूगल पे आना है, यहाँ पे डालना है गूगल सर्च कंसोल। यहाँ पे फर्स्ट लिंक पर क्लिक करना है, गूगल सर्च कंसोल टूल्स। पहले इसका नाम वेब मास्टर टूल्स था, अब इसका गूगल पे इसको स्टार्ट नाउ पर क्लिक करना है। स्टार्ट नाउ पर क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन हो जाएगी, इस पर क्लिक करना है। ऐड ऐड प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है। यहाँ पे दिखा है डोमेन नेम, यूआरएल प्रीफिक्स, तो आपको यूआरएल प्रीफिक्स पर इंडेक्स करना है। तो इसका आप अपना यूआरएल कॉपी करेंगे वेबसाइट का, यहाँ पर पेस्ट करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। ये देखो फ्रेंड्स, ओनरशिप ऑटोमेटिक वेरीफाइड हो गया है। एंड गो टू प्रॉपर्टी पे डन कर देंगे या डन कर देंगे, डन पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, रन टेक्निकल जो वेबसाइट है गूगल सर्च कंसोल में ऐड हो चुकी है। ये हो गया। अब इसका आपको यूआरएल, ये है पोस्ट यूआरएल, मैं आपको इसको इसको इंडेक्स करना है, इसको कॉपी करना है, यहाँ पे आना है, यूआरएल पर क्लिक करना है, यहाँ पर पेस्ट करना है और इंटर पर क्लिक करना है। रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम गूगल इंडेक्स। ये देखो फ्रेंड्स, यूआरएल इज नॉट ऑन गूगल। यहाँ पर रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पर क्लिक करेंगे। ये देखो फ्रेंड्स, सबमिट रिक्वेस्ट, इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट, गो टू इट पर क्लिक करना है। ये देखो फ्रेंड्स, ये इंडेक्स हो जाएगी इसमें थोड़ा टाइम बाद। ये सर्च कंसोल में, सर्च कंसोल में आपकी वेबसाइट को कैसे ऐड करना है, ये हो गया। अब मैं चलता हूँ विंग पे। आप अपनी वेबसाइट को विंग पे कैसे ऐड करेंगे, तो आपको वेब मास्टर इंटर पर क्लिक करना, फर्स्ट लिंक पर क्लिक करना, वेब मास्टर टूल्स विंग। अगर आपका गूगल सर्च कंसोल में पहले से वेबसाइट ऐड है तो आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं, या अपन अलग से भी इसको ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ऐड नाउ पर क्लिक करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया। ऑल डेली पर क्लिक करेंगे और ऐड पर क्लिक करेंगे। आप साइट मैप अभी, क्योंकि अभी आप ऐड कर रहे हैं तो आपकी कोई पोस्ट नहीं, ज़्यादा आपकी कोई पोस्ट नहीं है तो आपका साइट मैप अभी का जनरेट नहीं हो पाएगा। तो आप ऐड पर क्लिक करेंगे,
जी देखो फ्रेंड्स, ये ऐड हो चुका है। ये जो आपको मेटल कोड दिया है इसको कॉपी करना है। ओके फ्रेंड्स, अपने ब्लॉगर अकाउंट पर जाएंगे जहाँ पे ये वेबसाइट होस्ट है, इसके थीम्स पर क्लिक करेंगे एंड एडिट HTML पर क्लिक करेंगे और ये कोड है इसको कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे हेड के नीचे इसको पेस्ट करेंगे। सेव थीम पर क्लिक करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये सेव हो चुकी है। अब आपको यहाँ पे वेरीफाई पर क्लिक करना है। आप इसमें XML फाइल योर वेब सर्वर भी वेरीफाई करना है एंड एड CN भी आपको वेरीफाई कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये वेबसाइट आपकी ऐड हो चुकी है विंक पे। ये आपकी वेबसाइट विंक पर ऐड हो चुकी है। अब आपको इसमें URL को कैसे इंडेक्स करना है मैं आपको वो दिखाता हूँ। कॉन्फिगर माय वेबसाइट पर क्लिक करना है। ये देखो सबमिट साइट मैप लिखा है, सबमिट यूआरएल पर क्लिक करना है। यहाँ पे अपनी वेबसाइट का ये जो पोस्ट है इसका यूआरएल को कॉपी करना है, लिंक को कॉपी करना है इस लिंक को कॉपी करके आप बिंग एंटर यूआरएल यहाँ पे पेस्ट करना है। आपका जो पोस्ट है उसका यूआरएल यहाँ पर कॉपी पेस्ट करने पर यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करेंगे। ये देखो फ्रेंड्स, ये सबमिट हो चुका है। आप इसी टाइप से ब्लॉगर पे पोस्ट डाल के यहाँ पे इसका पोस्ट का यूआरएल कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके विंक पर सबमिट कर सकते हैं यूआरएल को। ओके फ्रेंड्स, इसका आप परफॉर्मेंस डैशबोर्ड भी देख सकते हैं, परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हैं आप। ये इसका डैशबोर्ड है, इसमें आप सब कुछ चेक कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाऊंगा यंगडेक्स वेब मास्टर टूल्स पर आप वेबसाइट को कैसे ऐड करेंगे। आपको न्यू टैब ओपन करना है, यहाँ पे डालना है यंगडेक्स वेब मास्टर पर एंटर करना है, फर्स्ट लिंक पर ओके करना है। यहाँ पे मैंने पहले से इस पे अकाउंट बना चुका है। आप यहाँ पे लॉगिन पर जाके लॉगिन हो सकते हैं गूगल अकाउंट से। मैं इस पर लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। मेरा पहले से अकाउंट बना है, मैं इस पे लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, आप ओके फ्रेंड्स, ये हो गया। अब इसमें लिखा है वेलकम योर इंडेक्स वेब मास्टर, वो पर क्लिक करना है। ये देखो फ्रेंड्स, मेरा अकाउंट ओपन हो गया है। इसमें आके आपको यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पे प्लस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को ऐड कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट अभी 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 ऐड की है। ये देखो फ्रेंड्स, ये मेरी वेबसाइट है। आप यहाँ से इंडेक्स पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे साइट मैप फाइल को भी इंडेक्स कर सकते हैं
और यहाँ पे रन डेस्क पेज पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये डिफरेंस, यहाँ पर आप अपनी मेन डोमेन नेम का यूआरएल को कॉपी करके पेस्ट करके यहाँ पे सेंड पर क्लिक करेंगे एंड आपके जो पोस्ट की यूआरएल है वो भी आप यहाँ पे पेस्ट करके सेंड पर क्लिक करेंगे तो ये एंगेज्ड वेबमास्टर टूल्स पर सबमिट हो जाएंगे। इसमें ये वो है, इसमें लिखा यूर डेली लिमिट 20 यूआरएल पर साइट इंक्लूडिंग द मेन डोमेन एंड ऑल सब डोमेन यूर कैन वी सेंड 20 मोर यूआरएल टुडे। मतलब आप एक दिन पे 20 यूआरएल इस पे सबमिट कर सकते हैं। तो अभी मैंने इसमें दो यूआरएल को सबमिट किया तो यहाँ पे 18 लिख के आ रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। एक बार और बोलता हूँ, जाते जाते रन टेक्निकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, शेयर एंड कमेंट करें। आपको जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं।